मैं जीशान आर्य बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिना कोई गारंटी का, बिना किसी तरह का गवाह का, आप 1,60,000 तक का केसीसी लोन कैसे ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं, वो भी 15 दिन में। 15 दिन में आपका अप्रूवल हो जाएगा, लोन आपको मिल जाएगा बिना किसी गारंटी का, बिना किसी गवाह का, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से, जो कि गवर्नमेंट ने भी स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो जानेंगे आज की वीडियो में कैसे अप्लाई करते हैं, टोटल चीज आपको हम विस्तार से एक एक प्रक्रिया बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं यहाँ पे आपके लिए नॉलेजफुल जानकारी लाते रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि स्पार लर्नर लाइसेंस को कैसे रेनवल करें, बिना किसी एड्रेस प्रूफ का आधार कार्ड में एड्रेस कैसे बदलें, और ई लाभार्थी का KYC कैसे करें मंत्रा डिवाइस से, और उसका स्टेटस कैसे चेक करें, हो गया या फेल हो गया। इसी तरह की यहाँ पे अगर ज़मीन का रसीद आप ऑनलाइन कटाए होंगे, वो रसीद अगर खो गया है तो आप यहाँ से फिर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया हूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे, या आप ब्राउजर में सर्च करेंगे eseva.csclose.in पर आएंगे तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पे आना और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास वसुधा केंद्र CSC होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास CSC तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद CSC ID पासवर्ड देंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है, यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये CSC लॉगिन हो चुका है, CSC ID और यहाँ पे लॉग आउट है। तो यहाँ पे KCC लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिला अप्लाई न्यू किसान क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे वही आधार नंबर देना है जिसका PM किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा लाभ मिल रहा है, जिनको 2,000 रुपये हर 4 महीने भी, यानी कि सालाना 6,000 रुपये जो लाभ मिल रहा है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते, उन्हीं को KCC लोन मिलेगा। तो यहाँ पे जिसको मिल रहा है कैसे PM किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा लाभ, तो वो अपना आधार नंबर देंगे, उनका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आप दूसरे आधार कार्ड देते हैं जिसका PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर से आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे ही ला देगा। अगर आप जिसका PM किसान सम्मान निधि के द्वारा लाभ मिल रहा है अगर उसका देते हैं, तो आपको आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लेके जाएगा। तो यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए PM किसान ID, नाम और मेल, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पूरी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एड्रेस भी दिया गया, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिया गया है बिल्ले। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे करा स्टेट देने के लिए, तो यहाँ पे फिर से आपको स्टेट दे देना होगा। स्टेट देने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे बैंक नाम देना, जिस बैंक में आपका पेमेंट रहता वो देना। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना जो भी ब्रांच में आपका पैसा आता है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड, ये सब आपको फिलअप ऊपर में रहेगा। यहाँ पे देखिए IFSC कोड है जिसमें आपका रुपया आता है, इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब फिलअप करने के बाद यहाँ पे कह रहा है टाइप ऑफ लोन, यानी अगर आप पहली बार लोन लेना चाहते हैं KCC के द्वारा, तो ये सिलेक्ट करेंगे इशू ऑफ फ्रेश KCC। अगर आपका पहले से लोन लिमिट बढ़वाना चाहते हैं तो आप 2 नंबर वाले सिलेक्ट करेंगे। तो न्यू लोन लेना चाहते हैं तो फ्रेश इशू ऑफ फ्रेश KCC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, यानी कह रहा है आपका कितना रिक्वायरमेंट है, कितना का आप लोन लेना चाहते हैं, वो देना होगा। तो यहाँ पे 1,60,000 तक का आपका कोई यहाँ पे ये नहीं लगे गारंटर गवाह वगैरह, तो यहाँ पे मैं 1.5 लाख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा, अप्लीकेंट का बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर देंगे, उसका नाम और अकाउंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको 12 रुपये सालाना पेमेंट करने होंगे। ठीक है, जब आपको आप घायल वगैरह होते हैं तो आपको 2 लाख रुपये तक मिलता है एक्सीडेंट में। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको सालाना 330 रुपये देना होता है, जिसमें आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आप दोनों इंश्योरेंस करवाना चाहते हो यस करेंगे, अगर कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते तो नो करेंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आपको कोई पहले से लोन चल रहा है KCC लोन।
ठीक है, ये केसीसी लोन पहले से भी चल रहा और यहाँ पे फिर से लाया गया गवर्नमेंट की ओर से। अगर पहले से आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे, और यस करने के बाद किसी बैंक से चला है, किस ब्रांच से कितना लिए, तो वो सब आपको डिटेल देना। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए केसीसी लोन, तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर अपने लैंड का, अपना लैंड का, अपना जमीन का डिटेल देने का, नेम ऑफ विलेज, यहाँ विलेज का नाम देंगे, यहाँ पे आपको सर्वे या खेसरा नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जमीन खुद का है, तो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एरिया इन एकड़, यहाँ पे कितना एकड़ आपका जमीन वो देना होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ आप अभी आप कौन सा खेती कर रहे हैं, खरीफ और रवि, रवि फसल, तो रवि फसल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ भी कह रहा है कि आप कोई मछली मछली वगैरह पालते हैं या किसी तरह के जानवर पालते हैं, तो ये डिटेल आपको देना होगा। अगर आप नहीं पालते हैं तो डिटेल आपको नहीं देना होगा। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज, यानी कि यहाँ कह रहा है कि अगर आप 1,60,000 ज़्यादा लेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह गिरवी रखना होगा, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप 1,60,000 ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट पर्पज आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट में आप क्या देंगे, तो लैंड प्रूफ आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप 1,60,000 से कम लेते हैं तो यहाँ पे आपको एन ए दे देना है, मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। और अगर ये, अगर आप किसी तरह का जानवर या मछली पालन नहीं करते हैं, तो सभी में आपको क्या करना है, 0-0 कर देना है, ठीक है। अगर आप बिना जीरो किए सबमिट करेंगे तो सबमिट ले लेगा, तो बहुत अच्छी बात। अगर सबमिट नहीं लेता है तो आपको यहाँ पे इस तरह का विलेज नेम में नॉट अवेलेबल देना है, उसका सभी में 0-0 कर देना है। उसका सिक्योरिटी पर्पज जो है प्रोपेसिड में, यहाँ पे भी आपको नॉट अवेलेबल दे देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे, आपका सबमिट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लोडिंग ले रहा है सबमिट डिटेल करने के बाद। उसके बाद कुछ इस तरह यहाँ पे आपका नाम, आपका CSC ID, रेफरेंस नंबर, किसान का नाम, किसान का PM ID और किस चीज़ के लिए काटा जा रहा है वो। और यहाँ पे आपको 30 रुपये कस्टमर से लेना है, 30+18% मतलब 35 रुपये 40 पैसे, मतलब इतना रुपये आपसे कस्टमर से लेना है। और आपको यहाँ पे कटेगा 17 रुपये, तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अभी 12 रुपये कट रहा है, ठीक है। और आपको 35 रुपये, मतलब कि 35 रुपये कस्टमर से लेना है और आपको 12 रुपये कटेंगे, बाकी सब आपको कमीशन में बच जाएगा। पहले 17 लग रहा था लेकिन अब 12 लगने लगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देंगे CSC का। उसके बाद पासवर्ड देने के बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे वॉलेट पिन देंगे। वॉलेट पिन देने के बाद पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद पेमेंट सक्सेस हो चुका है। पेमेंट आपके वॉलेट में 100 से ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब 130 रहेगा, 35 रहेगा तब 35 रुपये। उसके बाद पेमेंट सक्सेस हो चुका, यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर, प्रिंट रिसिप्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट आ, तो ये रिसिप्ट हो गया, ये प्रिंट हो गया। और इसमें नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अमाउंट, डेट वगैरह सारा चीज़ दिया गया है इस रसीद के साथ। और जो भी PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट स्लिप और किसान रजिस्ट्रेशन, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ आपको अपने किसान सलाहकार या बैंक मैनेजर को देना है। इसमें आपको टोटल से 15 दिन की समय लगेगी अप्रूवल होने में, और 15 दिन के बाद आपको मिल जाएगा लोन। उसके बाद फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे, इसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू स्टेटस KCC, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट जो मिला होगा, पेमेंट रिसिप्ट पे आपको रेफरेंस नंबर होगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर देने के बाद यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्टेटस में डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, ये अभी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि जो जिसका मैंने रेफरेंस नंबर दिया उसका नाम नहीं आ रहा है। तो कुछ समय बाद फिर से इसको चेक कर लीजिएगा, सही आने लगेगा। अभी जिसका रेफरेंस नंबर दिया उसका नाम नहीं आ रहा है। तो इसी तरह आप KCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन।